किडनी हेल्थ, हाउ टू प्रिवेंट किडनीज फ्रॉम हैविंग ट्रबल। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। लोग हमेशा किडनी की प्रॉब्लम के बाद रियलाइज करते हैं कि किडनी प्रॉब्लम में आ गई। क्या साइन है जिससे आप पता कर सकते हैं आपकी किडनीज हेल्दी नहीं है? क्या किया जा सकता है? किडनीज का फंक्शन क्या है और कौन सी चीजें हैं जो किडनी को खराब करती हैं? सो गाइज, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे किडनी हेल्थ की। मेरा नाम रविंदर सेन है, मैं हेल्थ कोच हूँ। मेरा काम है लोगों तक अच्छी ट्रू हेल्थ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लेके आना, उनको तंदुरुस्त रखना, दवाइयों सर्जरियों से बचाना। आज हम बात करेंगे किडनी की हेल्थ की। किडनीज हमारे बॉडी में दो फिल्टर हैं जो बहुत सारे काम करते हैं, और उनका मेन फंक्शन क्या है? इट्स अ फिल्टर, ये ब्लड को यूरिन में कन्वर्ट करता है, जो मेन फंक्शन है। ये रिसाइकल करता है फ्लूइड्स को, रिसाइकल करना उसको, जैसे रिसाइकलिंग प्लांट होता है ना, किसी चीज को दोबारा कन्वर्ट करना, वो करता है। ये हर रोज 180 लीटर फ्लूइड्स को कॉन्स्टेंटली हमेशा रिसाइकल कर रहा है। उसमें न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, हॉर्मोन्स, वाटर और कोई भी लिक्विड आप जो इनटेक करते हैं वो सब आ जाता है, वो काम कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये मैजिकल फिल्टर है। इट क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है और कोऑर्डिनेट करता है। लेट्स से ये कोऑर्डिनेट करता है बॉडी में कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड होना चाहिए, कितना वाटर कंटेंट या फ्लूइड कितना होना चाहिए। ये विटामिन डी को इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। नेक्स्ट चीज, ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है किडनीज, और ये बॉडी में हाइड्रेशन, कि बॉडी को कितना हाइड्रेशन चाहिए, वाटर कितना चाहिए, उसको ठीक करता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये टॉक्सिन्स और ड्रग्स को बॉडी में से इलिमिनेट करता है। तो ये फिल्टर है, ये जो चीजें बॉडी में हानिकारक हैं, टॉक्सिन है, ड्रग्स हैं, उनको बॉडी में से निकालता है। और जो अमाउंट ऑफ वर्क किडनी करती है वो इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक, वो है ना, कि इतना ज्यादा काम करती हैं। तो कुछ भी गलत जो किडनी को खराब करे या खाने से जो किडनी खराब हो, उसको खाने से पहले रीथिंक करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बॉडी का ऑर्गन है। और दिक्कत ये है, हमारे पास सिर्फ दो ही हैं, और अगर खराब हो जाए तो ऐसी लाइबिलिटी है, ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि वहां तक तो किसी को जाए ही ना, खुदा लेके ही ना जाए। तो जब भी आप ईट और ड्रिंक करते हैं, आपने ये समझना है कि उसका किडनी पे क्या डैमेज है, आप खुद ब खुद हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इसमें एक चीज होती है नेफ्रॉन्स, जो हमारे फिल्टर्स हैं, 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स से बनी हुई है किडनी। और ये वो फिल्टर हैं जो बॉडी में शुरू करते हैं डाइट की प्रॉब्लम से खराब होते हैं। ये प्रॉब्लम ही वहां से आती है, जो फिल्टर्स हैं ये डाइट खराब होने से खराब होते हैं। और दो चीजें इनको खराब करती हैं, जैसे एक तो डाइट, दूसरी चीज है एजिंग। एजिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है, लेट्स से आप 70 के ऊपर हो गए हैं, 75, 80, नेफ्रॉन्स मरने शुरू हो जाते हैं। मगर बिना एज के नेफ्रॉन्स कैसे खराब होते हैं? हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज। अगर आप जानते हैं किसी को डायबिटिक हो, या कोई भी आप किसी को जानते हो जो डायलिसिस पे चला गया हो, आप उनकी स्टोरी पूछेगा, हिस्ट्री लीजिएगा, वो हमेशा डायबिटिक थे। तो हाई ब्लड शुगर जो कि डायबिटीज है, किडनी की नंबर वन रीजन है किडनी के नेफ्रॉन्स को खराब करने के लिए। क्योंकि देखिए, ब्लड हर रोज आप लगा लीजिए कि कितना ब्लड, जिसको हम फ्लूइड बोल देंगे, वो हर रोज किडनी में से ट्रांसफर होके एक तरह से रेगुलेट कर, उसमें से 180 लीटर हर रोज घूम रहा है, और उस ब्लड में अगर शुगर ज्यादा है तो नेफ्रॉन्स खराब हो जाते हैं, तो आपका किडनी की फिल्ट्रेशन प्रोसेस खराब हो जाता है। तो रीनल प्रॉब्लम्स शुरू, रीनल प्रॉब्लम्स होते हैं किडनी प्रॉब्लम्स, शुरू कहां से होते हैं? यहां से, हाई डायबिटीज या हाई ब्लड शुगर, या आपकी एज बहुत हो गई, 99% केसेस में इट्स डायबिटीज, ठीक है। तो हाई ग्लूकोज बॉडी में किडनीज को डैमेज करता है, और उससे क्या होता है, क्योंकि किडनी जब डैमेज होने लग जाती है तो आपका अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन बढ़ जाता है। लॉजिक है इसके पीछे, आपके ब्लड में प्रोटीन रहना था, चाहिए था, मगर वो कहाँ चला गया? यूरिन में, जो कि बेसिकली क्योंकि किडनी प्रोसेस नहीं कर पा रही, तो जो प्रोटीन को प्रोसेस करके बॉडी में वापस भेजना था वो यूरिन में चला गया। तो आपको सबसे पहले यही चेक करते हैं, आपके यूरिन में प्रोटीन कितना आ रहा है। अगर यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, आपको बोलते हैं किडनी का टेस्ट करवाइए। बहुत सिंपल सा टेस्ट बताता हूँ, वो तो काफी एडवांस स्टेज है, मगर अगर आप पेशाब करते हैं और टॉयलेट में झाग बन रही है और फ्लश करने के बाद भी झाग नहीं जा रही, इसका मतलब है काफी प्रोटीन आ रहा है। और जल्दी से जल्द किडनी टेस्ट करवाइए, और फिर डाइट चेंज करने का टाइम इमीडिएटली है, ठीक है। दूसरा साइन, आपके
क्योंकि प्रोटीन प्रोसेस करके वापस भेजना था ब्लड में, मगर कर नहीं पा रही, तो हमारे एडीमा हो जाता है। एडीमा होता है वाटर वाली सोजिश, जैसे ज्यादातर लोगों के वो आती है जो हमारे एंकल्स में, कईयों के आईज पे पफीनेस हो जाती है, वो एडीमा होता है। उसमें क्या है, क्योंकि जो प्रोटीन भेजना था ब्लड में वो प्रोसेस नहीं कर पा रही, तो लेग्स में, फीट में, कई बार हैंड्स और फेस में भी एडीमा आता है। तो एक साइन है, ये भी बता रहा है कि आपकी बॉडी में किडनी की डिजीज के चांसेस बढ़ चुके हैं। मगर दिक्कत ये है, 10 साल लग जाते हैं लोगों को, और जब पता लगता है तो बहुत लेट हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, आप क्या खा रहे हैं, आप क्या पी रहे हैं, बहुत मैटर करता है, स्पेशली किडनी के हेल्प के लिए। ऑलराइट, तो साइंस क्या है, अगर हमें अर्ली साइंस पता हो तो हम पकड़ के अभी जागरूक होके हेल्थ कंडीशंस, या फिर हम बोलेंगे लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। पहला साइन है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, इसका एक लॉजिकल, या सॉरी, इसका एक टेक्निकल वर्ड है नॉक्टूरिया। इसका मतलब है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, रात को बार बार पेशाब आना, ये पहला साइन है कि आपकी किडनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। दूसरी, डिजीनेस, ऐसे लगता है चक्कर आ रहे हैं। तीसरा साइन, चेंज इन यूरिनेशन, चेंजेस इन यूरिनेशन, आपकी यूरिनेशन के पैटर्न में, कलर में चेंजेस आ गए। नेक्स्ट, बीपी हाई रहने लग जाना। नेक्स्ट, हेडेक्स रहना, इंटरेस्टिंग है, और स्लीप प्रॉब्लम्स आना, किसी किसी ना किस तरीके से स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। ये साइंस हैं जहां से पता लगता है, ये अर्ली साइंस है, तो वहां पे ही डाइट चेंज कर लें। अब करें क्या, ऐसी क्या चीजें हैं जो किडनी प्रॉब्लम्स को बचा लेंगी। देखिए आप समझिए, अब किडनी जब खराब हो जाती है तो आपका पोटेशियम बढ़ जाता है, मगर किडनी खराब होने से पहले आपका पोटेशियम लो होता है। इंटरेस्टिंग है, डायबिटिक बंदे का पोटेशियम लो होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जो कि प्री डायबिटिक है उनका भी पोटेशियम लो होता है। तो अगर तो आपको किडनी प्रॉब्लम आ गई है, पोटेशियम बढ़ गया है, तो आपको पोटेशियम नहीं लेना चाहिए। मगर अगर आपको ये साइन है जो मैंने अभी बताया, इस केस में आपको पोटेशियम सिट्रेट लेना चाहिए। क्यों, हम चाहते हैं कि हमारी स्टेज वन तक भी ना पहुंचे, उससे पहले ही हम रिवर्स कर दें। तो कुछ हैंडलिंग्स हैं जो श्योर शॉट हैं, जैसे मैंने बोला प्रिवेंशन, ताकि किडनी डिजीज हो ही ना। उसमें पहली चीज है जीरो शुगर। अगर आप शुगर खाएंगे नहीं, आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी नहीं। अगर आपकी ब्लड शुगर बढ़ेगी नहीं तो आपकी किडनी खराब नहीं होगी, सिंपल। दूसरी चीज, जैसे मेरी डाइट में हमेशा बोलता हूँ, लो कार्ब या जीरो कार्ब कोशिश की जाए। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाके ब्लड शुगर में कन्वर्ट होते हैं, ब्लड शुगर आपकी ऊपर गई तो किडनी के नेफ्रॉन्स खराब हो जाएंगे, तो हम वहां तक नहीं पहुंचना चाहते। तीसरी चीज है मेरी फेवरेट, फास्टिंग, लंबी फास्टिंग सीखे। फास्टिंग करने से बॉडी की शुगर लो आती है और क्लीनिंग प्रोसेस अच्छा होता है। देखिए खराब क्या करती है, हाई अमाउंट ऑफ शुगर, और हाई अमाउंट ऑफ शुगर पैक्ड फूड्स में आती है, फास्ट फूड में आती है, उसमें अजीनो मोटो आता है, उन चीजों से तो मैं वैसे ही मेरी डाइट में वहां नहीं पहुंचती। नेक्स्ट चीज है ईट सैलेड, क्यों, उसमें पोटेशियम है। सैलेड्स आपको वो देते हैं, इफेक्टिव न्यूट्रिएंट्स देते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सबसे ज्यादा पोटेशियम देते हैं, जो कि आपके ब्लड को साफ करता है और किडनीज को हेल्प करता है। एक और चीज है जो भारतीय कुकिंग में बहुत जाती है, मगर मैं उसको बहुत ज्यादा पुश करता हूँ, टर्मरिक। तो आप खाने में टर्मरिक यूज कीजिए, और हमारा एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है नैनो कुरकुमिन, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। नैनो कुरकुमिन मैं दिन में एक या दो लेता हूँ, और रिकमेंड करता हूँ जब भी अच्छा प्रोडक्ट लें तो खाएं। हमने अपने कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं और ग्लैंड्स हैं जिनको बहुत तंदुरुस्त रखना है, किडनी उनमें से टॉप ऑफ द टॉप लिस्ट में है। ये कैसी दिक्कत है, अगर किसी की किडनी खराब हो जाए, वो एक जन नहीं खराब होता, उसकी सारी फैमिली, किसी को उसको किडनी डोनेट करनी पड़ती है, मालिक हालत ऐसे बोले फाइनेंशियली कितना बर्डन आ जाता है, डायलिसिस करवानी पड़ती है, इम्यून सप्रेशन खाने पड़ते हैं, वहां तक नहीं पहुंचना। हमने तंदुरुस्त रहना है, माना जीभ को कोई चीज स्वाद लगती है 5 मिनट के लिए, मगर वो बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रही है बहुत फर्क पड़ता है। कुछ लोग जो प्रोटीन पाउडर्स हैं, जिसको वे सोया प्रोटीन एक्सट्रैक्ट्स बोलते हैं, वो ले लेके ही अपनी किडनी खराब कर लेते हैं। क्यों, बहुत प्रोटीन ले लिया, लिवर और प्रोटीन, लिवर और किडनी खराब होते हैं। प्रोटीन सही यूज करना चाहिए, मैं लीची की स्किन से बना हुआ प्रोटीन यूज करता हूँ, वो भी हाई अमाउंट्स में नहीं, अगर मैं करता हूँ। कुछ लोग गलत डाइटिंग पिल्स ले लेते हैं, वो भी किडनी पे इफेक्ट डाल सकते हैं। कुछ लोग चीनी ऐसे खाते हैं जैसे आज ही खाने को मिलेगी, कल मिलेगी नहीं, वो भी किडनी खराब कर लेते हैं। डायबिटिक बंदा इन द लास्ट हमेशा किडनी प्रॉब्लम से जूझता है, और उसको वो लेट डूबती हैं। तो हमने वहां नहीं पहुंचना, हमने आज ही ऐसी डाइट खानी है, संयम से करना है, ताकि हमने अपना फ्यूचर देखना है। देखिए कोई भी चीज ऐसे है, अगर आप आज कोई चीज सीड को बोएंगे तो परसों या चौथे वो निकल के क्या उसी निकलेगा जो बोएंगे, हमारा पंजाबी की कहावत है। तो हम अच्छी चीज प्लांट करेंगे ताकि हमें फ्यूचर में गुलाब ही मिले। अगर गुलाब के बीज डालेंगे तो गुलाब ही मिलेगा। तो
अच्छा खाएं, तंदुरुस्त खाएं, कम खाएं, बढ़िया खाएं, मेरी पॉलिसी है। और सैर कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। कुछ प्रोडक्ट्स हैं हम जो रिकमेंड करते हैं, अश्वगंधा, पोटेशियम सिट्रेट, ऐसे न्यूट्रिशनल ईस्ट। हम अच्छी चीज़ खाएंगे ताकि बॉडी में वाइटमिन आए, ताकि बॉडी एक तरह से एक आर्मी बनाए जिसको वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करते हैं। बाहर से कोई चीज़ गड़बड़ाती है उससे लड़ने के लिए तैयार है। चीनी, कार्बोहाइड्रेट्स, ये चीज़ें आपकी आर्मी को एक्चुअल में नशा देके चुप करा देते हैं, ताकि आपको बीमारी जल्दी लग सके। हमने तंदुरुस्त रहना है, हमने नॉलेज लेनी है सेहत की, और वो नॉलेज अपने आप पे काम करेगी और लोगों को खुद काम करेगी। अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, आप हमारा कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम लीजिए। हम चाहते हैं आप कोच बने और फ्यूचर में हमारे साथ जुड़ के या अपने आप लोगों की मदद कीजिए और एक अच्छा करियर बनाए। और प्लीज़, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, वीडियो को शेयर कीजिए, उससे मेरी मदद होती है लोगों तक पहुँचने में। हम चाहते हैं लोग तंदुरुस्त रहें, दिक्कतों में मत जाएं, बीमारियों में, सर्जरीज में दवाइयां की जरूरत ही ना पड़े। अगर आप ये करेंगे, आई वुड अप्रिशिएट दैट। एंड अगेन, आपने वीडियो देखी, थैंक यू।